कोई भी इंसान कभी भी 100% सही या 100% गलत नहीं होता है। शिव को बिग बॉस 13 में भी बुलाया गया था एज अ वाइल्ड कार्ड, तब भी मैंने उसे मना किया था और मैंने उसे यही चीज़ कही थी, जिनका वो जमूरा कह रहे हैं वो खुद एक्चुअली शिव की आड़ में खेल रहे हैं। इज्जत इज्जत सिर्फ लड़कियों की नहीं होती है, लड़कों की भी इज्जत होती है। आप उसको बोलोगे ए चल शट अप तो वो नहीं बोलेगा। लड़के को भी लड़की की इज्जत करनी चाहिए, लड़की को भी इक्वली लड़के को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पहुँचा हुआ हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने के बाद उस मकाम तक पहुँचा है। हाय गाइस, दिस इज़ मेघा धाड़े एंड यू आर वॉचिंग फीफा फूज। थैंक यू। फैंस को यही कहूँगी कि जब भी आप बिग बॉस देखते हो तो प्लीज़ बड़े ही निष्पक्ष तरीके से उसे देखिए, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी 100% सही या 100% गलत नहीं होता है। हर पर्सनालिटी की अपना एक अपनी एक साइड होती है, कुछ साइड्स हाईलाइट होती है शो में और उस चीज़ों पे आप उन्हें जज करते हो। सो किसी को भी जज करते वक्त ना तो बहुत अंधभक्ति कीजिए, ना ही किसी को बहुत हार्शली जज कीजिए। सो दैट इज़ व्हाट आई विल से। चेंजेस मैं देख रही हूँ कि मेरा भाई बड़ा हो गया है, बिकॉज उसकी अगर जर्नी आप देखो, रोडीज़ में वो कैसा था, बिग बॉस मराठी में वो कैसा था, हिंदी बिग बॉस में जब आया है तो कैसा है। आई गेस उसके ओपिनियंस और थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, वो लोगों की परख करना सीख गया है, सही गलत समझता है बहुत अच्छी तरीके से, जो कि वो शुरू से ही समझता है। बट उसको वो जो एक होता है ना, पहले वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब इमोशंस में आके कभी कभी थोड़ा बह जाता था, बहुत सॉफ्ट हार्टेड था। अब मतलब ये कह सकती हूँ कि मेरा भाई बिल्कुल पूरी पूरी तैयारी के साथ और पूरे मतलब क्या कह सकती हूँ, एकदम अपने रॉकिंग अंदाज में इस शो में वो छाया हुआ है। और शिव ठाकरे क्या है, एक मर्द मराठा क्या होता है और एक अच्छा प्लेयर किससे कहते हैं, इस चीज़ की छाप छोड़ने शिव बिग बॉस हिंदी में है। बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रही हूँ और मैं शिव के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जब गई थी तो मेरा आई फील कि दैट वाज अ बैड डिसीजन, मुझे एज अ वाइल्ड कार्ड नहीं जाना चाहिए था, मुझे डे वन से जाना चाहिए था। बिकॉज जब आप एज अ वाइल्ड कार्ड जाते हो शो में तो मतलब अब इस टाइम पे टुडे इज़ 40th डे ऑफ बिग बॉस, मैं 36th डे पे वहाँ पे गई थी। इस टाइम तक ना ऑडियंस के फेवरेट्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं, ऑडियंस का फोकस ऑलरेडी कुछ लोगों पे एक फिक्स हो जाता है, गेम काफ़ी आगे चली गई होती है। और उस वक्त पर जब एक नया इंसान शो में आता है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। ग्रुप बने हुए होते हैं और उन दो ग्रुप में से एक सही को चुनना या फिर इंडिविजुअल खेलना, ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन और बहुत केओस क्रिएट करती है और आपका काफ़ी वक्त उस चीज़ में बर्बाद हो जाता है। पूरा घर आपको दिल से कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो सोचते हैं कि आप वाइल्ड कार्ड आए हो तो आप बस जाने के लिए ही आए हो, जल्दी आपको वो एज अ विनर देखते ही नहीं है, या वो समझते हैं कि ट्रॉफी पे सिर्फ उनका हक है जो 100 दिन यहाँ पे रह के गए। इन दैट केस मी गोइंग एज अ वाइल्ड कार्ड वॉज अ वेरी बैड डिसीजन, वेयर एज सो मेरा एज अ वाइल्ड कार्ड जाना वॉज अ वेरी बैड डिसीजन, वेयर एज शिव का डे वन से जाना वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। शिव को बिग बॉस 13 में भी बुलाया गया था एज अ वाइल्ड कार्ड, तब भी मैंने उसे मना किया था और मैंने उसे यही चीज़ कही थी कि गलती से भी वाइल्ड कार्ड बन के मत जाना शो में, जाना है तो डंके की चोट पे डे वन से जाना और अपने पैर जमा के वहाँ खेलना। सो दैट इज़ वॉट शिव इज़ डूइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। बातें चल रही है शिव को लेकर,
शिव साजी जी और अब्दू का जो बुरा लग रहा है, उनका पोपट लग रहा है, जो वो पोपट अंकित को बोलता है, इसमें आप क्या कहेंगे? इस बात का एक ही जवाब है, वेरी सिंपल, और इस बात का जवाब उन्होंने खुद ने ही दिया है जिनका आप उन्हें जमूरा कह रही है। साजिद सर ने पिछले वीकेंड के वार पर कहा था सलमान सर से कि अगर मैं किसी कंपटीशन में आया हूँ, मैं ओलंपिक्स में आया हूँ, तो मैं उस इंसान से गाइडेंस लूँगा जो इस ओलंपिक में पहले ही गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है, तो हम लोग तो उसके साथ या उसका सजेशन मानेंगे ना, वो हमें जो सजेस्ट करेगा तो हम तो उसके साथ ज़्यादा खेलना प्रेफर करेंगे। सो यही पे बात क्लियर हो जाती है कि जिनका वो जमूरा कह रहे हैं वो खुद एक्चुअली शिव की आड़ में खेल रहे हैं। आड़ में इन द सेंस हम क्लियरली देख रहे हैं यार कि शिव सारी स्ट्रेटजीज डिसाइड करता है, शिव के डिसीजंस सारे उस ग्रुप में चलते हैं, तो ये बात तो कहीं से भी सही नहीं है कि शिव किसी का जमूरा बने, इट्स नॉट पॉसिबल। जमूरे का जो सरदार है उसने ही खुद बोल दिया है कि हम जमूरे हैं, सरदार तो शिव है हमारा, हम उसके प्लान से चलते हैं। पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टैंड लेता है तो स्पेशली जो निमृत है, अपना है, साजिद है, ये जब करे तो सही होता है, और उसमें कुछ नहीं बोला, लेकिन वही चीज अगर सेम हो करे तो वो गलत हो जाता है, बाकी की जो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है। शिव बहुत सोच समझ कर चीज़ें बोलता है, वो ऐसा इंसान नहीं है कि बस जस्ट कहीं भी किसी के भी फटे में टांग डालो और बस अपने आप को दिखने के लिए बोलो। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो तभी बोलेगा जब उसे लगेगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, तभी वो अपनी आवाज़ उठाएगा। वो उसकी पर्सनालिटी ही नहीं है, कभी नहीं है शिव का, वो स्वभाव ही नहीं है कि वो ज़बरदस्ती का किसी के लिए बोलेगा। हाँ, जहाँ गलत होता हुआ उसे दिखेगा वहाँ पर वो ज़रूर बोलेगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे होना भी चाहिए। इज्जत सिर्फ लड़कियों की नहीं होती है, लड़कों की भी इज्जत होती है। आप उसको बोलोगे ए चल शट अप तो वो नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, उसको बोलना भी चाहिए। बॉस, ये सूडो फेमिनिज्म ना यहाँ पे मत दिखाओ। आप कोई अबला नारी नहीं हो उस घर में जो आप वुमन कार्ड खेल खेल के आगे बढ़ोगी। आप किसी लड़के को कुछ भी बोलो तो वो सही है, और लड़की को अगर कुछ बोल दो तो वो गलत है, ऐसा क्यों? वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? देखो, मैं उस घर में रह के आई हूँ और मुझे वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कुछ कंटेस्टेंट्स कैसा वुमन कार्ड खेलते हैं। मैं देख के आई हूँ ज़बरदस्ती की चीज़ों का। आप फॉर एग्ज़ाम्पल सुरभि जब हमारे शो में थी, हर चीज़ में लड़की होने का फ़ायदा, ये कहा वो कहा ऐसा कहा, लेकिन आप श्री को क्या क्या बोलते थे, आप उसकी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते थे, तब फिर कहा जाता था आपका ये सूडो फेमिनिज्म। ये चीज़ें गलत है। वहाँ पे लड़का लड़की दोनों की इज्जत इक्वल है, लड़के को भी लड़की की इज्जत करनी चाहिए, लड़की को भी इक्वली लड़के को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पहुँचा हुआ हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने के बाद उस मकाम तक पहुँचा है। बिग बॉस के घर में आप ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते हो, आपने लाइफ में कुछ संघर्ष किया हुआ होता है, आपने ज़िंदगी के कुछ थपेड़े खाए होते हो, उसके बाद आप उस घर में जाते हो। सो एवरीवन डिजर्व्स द रिस्पेक्ट, नॉट ओनली गर्ल्स। आई डोंट थिंक सो कि उसका इंटेंट वैसा होगा, क्योंकि वो अपने ही दोस्त के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेगा। गौरी ने भी कई गलत चीज़ें की है घर में, और हमने देखा है कि वो अननेसेसरी एटीट्यूड साजिद जी को भी दे रही थी, शिव को भी दे रही थी, अपने ही दोस्तों की बुराइयाँ दूसरी जगह जा जा के कर रही थी। तो गौरी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत की है, अपने दोस्तों की बुराई दूसरों में जाके करना, ये भी तो सही नहीं है ना। अगर उसने ऐसी चीज़ें की है तो कहीं ना कहीं वो दरार उनके रिश्ते में आई हैं, और जब किसी रिश्ते में दरार आती है
तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी आती है, कुछ चीज़ें वहाँ से भी आती है, एंड दैट इज़ इक्वली फेयर। मैं चटकारे लेती हूँ उनके लड़ाइयों के, मुझे बड़े मज़े आते हैं, बिकॉज बोथ आर वेरी स्ट्रांगली ओपिनियटेड पर्सन, दोनों स्ट्रांग हेडेड पर्सनालिटीज़ है, और एक मैन में दो तलवारें तो डेफिनेटली नहीं रह सकती। और वो घर ऐसा है ना कि वहाँ पे आप अपने ओपिनियन आपको रखने ही पड़ते हैं। कई बार तो हम रियल लाइफ में ऐसा कर लेते हैं कि नहीं यार इस चीज़ पे इतना क्या बहस करना, छोड़ो इस चीज़ को, पर वहाँ पे आप नहीं वैसा कर सकते। आपको कुछ चीज़ें स्ट्रांगली वहाँ पे आपका, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड यू हैव टू स्टे से फ्यू थिंग्स स्ट्रांगली। प्रियंका भी करती है, और कई बार शिव ने शुरू शुरू के कुछ हफ्ते इन चीज़ों को इग्नोर किया, बट अब शिव को भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार मैं कितना इग्नोर करूँ, अब मुझे भी बोलना ही पड़ेगा। सो शिव शुरू से ही ऐसा नहीं रहा है, शिव ने देखा है कि जब सामने से इतनी 100 चीज़ें आएगा तो वो भी अपनी 20 चीज़ें लेके तो बात करेगा ही, ऑब्वियसली करेगा और करना भी चाहिए। मेरे टॉप टू, शिव तो ऑफकोर्स टॉप पे ही है, तो टॉप टू अब्दू शिव, शिव के अलावा अगर शिव नहीं तो कोई भी नहीं, फिर कोई भी नहीं, शिव जितना क्लीन गेम किसी का भी नहीं है। यही कहूँगी कि आप अगर शिव से प्यार करते हो तो उस प्यार को जताने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारे वोट्स, बस वही शिव के लिए देते रहिए और प्रे करते रहिए कि हमारा शिव वो ट्रॉफी जीत के आए। थैंक यू सो मच।